मैं कर लूंगा विश्वास रखो, निज अंतर मन में आस रखो, जैसा भी हो पर अपना हो, छोटा ही सही प्रयास रखो, फिर होगा एक प्रयास बड़ा, अपना इतिहास बनाना है, मुझको मंजिल तक जाना है, मुझको मंजिल तक जाना है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधुनिक मनी मंत्र में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का 25 अप्रैल दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और मिथुन राशि वालों को आने वाले समय में कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आज के वीडियो में ये भी बताएंगे कि मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और स्वास्थ्य आदि कैसा रहेगा। आपकी भी अगर मिथुन राशि है और आप भी जानना चाहते हैं आज का संपूर्ण राशिफल, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों आज गुरुवार है, आज भगवान नारायण का वार है, इसलिए कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है 25 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार। आज की तिथि है प्रतिपदा। आज का नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। सूर्योदय 5:45 AM, सूर्यास्त 6:53 PM। सूर्य राशि सूर्य मेष राशि में है। अभिजीत मुहूर्त 11:53 AM से 12:45 PM। आज का चाणक्य विचार, इन तीन लोगों से पड़ गया पाला तो जीते जी जिंदगी बन जाएगी नर्क, दूर रहने में ही भला ही। दोस्तों मौर्य काल के महान राजनीति के आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें हर कदम पर सतर्क और सजग रहने की सीख देती हैं। चाणक्य के विचारों को अपनाने वाले जीवन में कम ही धोखा खाते हैं। चाणक्य ने कुछ ऐसे लोगों का जिक्र किया है जो जीते जी व्यक्ति के जीवन को नरक बना देते हैं। ये वे लोग हैं जिनसे हमारा गहरा नाता है और इन लोगों से प्रतिदिन हमारी मुलाकात होती है। चाणक्य नीति कहती है कि अगर ज्यादा देर आपके साथ रहे तो जिंदगी जन्म बन जाएगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके ऐसे लोगों से दूरी बना लें। आइए जानते हैं चाणक्य ने किन लोगों का त्याग करने की बात कही है। दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्योत्तरादायक ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। अर्थात दुष्ट पत्नी मनुष्य का सबसे अहम साथी होता है उसकी पत्नी। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री जिसकी बोल कड़वाहट से भरे हों, झूठ और धोखा देना जिसकी फितरत हो, ऐसी पत्नी के साथ रहना नरक में रहने के समान है। इससे न सिर्फ पति की जिंदगी बर्बाद हो जाती है बल्कि बच्चों और परिवार पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। चाणक्य के अनुसार अगर शादी से पहले किसी स्त्री में ऐसे गुण दिखे तो उसे अपनी जीवन संगनी बनाने से पहले व्यक्ति को 100 बार सोचना चाहिए। मुंहफट नौकर, चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके घर का सेवक या नौकर मुंहफट है, मालिक का नादर या पलट का जवाब देता है तो उससे संतुलित व्यवहार ही रखें, ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे लोगों को घर में ही ना रखें क्योंकि ऐसे सेवक का साथ मृत्यु को न्योता देने के समान है। ये कभी भी आपके साथ विश्वासघात करके हानि पहुंचा सकते हैं। कपटी मित्र, हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं मित्र। चाणक्य ने मित्रों की पहचान को लेकर भी कई नीतियां बताई हैं। वो कहते हैं जो मुंह पर कुछ पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और हो, ऐसे लोगों को कभी अपने मित्र के लायक नहीं बनाना चाहिए। छल कपट इनकी फितरत होती है। एक समय ऐसा आएगा जब ये आपके साथ भी धोखा करने से गुरेज नहीं करेंगे। दर्द असहनीय होगा जो तिल तिल आपको मारेगा, इसलिए ऐसे लोगों का त्याग करना ही बेहतर है। दोस्तों अगर चाणक्य नीति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का मिथुन राशिफल। यदि आप अपना स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं तो साझेदारी में प्रवेश करने का यह एक अच्छा समय है जो भविष्य में लाभकारी होगा। अगर आप नौकरी के लिए परीक्षा या प्रतियोगिता या साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। सामाजिक गतिविधियों में आपकी रुचि होगी। परिवार में कोई धार्मिक समारोह या अन्य कोई उत्सव मनाया जा सकता है। लंबी दूरी की यात्रा फायदेमंद साबित होगी। आप खुश और शांत रहेंगे। विवाह योग्य संतान का रिश्ता पक्का हो सकता है। कार्यस्थल पर आज आप शानदार प्रदर्शन करेंगे और उत्साह के साथ काम करेंगे। यदि आप परीक्षा या प्रतियोगिता के माध्यम से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप सफल होंगे। आपको अपने करियर को बढ़ाने के भी अवसर मिलेंगे। कई यात्राएं हो सकती हैं और वे फायदेमंद भी होंगी। वित्तीय बाधाएं जो आपको पहले झेलनी पड़ी थी अब समाप्त हो जाएंगी। बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए एक अच्छा समय है। सशस्त्र बलों में करियर की तलाश करने वालों को कुछ अतिरिक्त प्रयासों से ही सफलता मिलेगी। आप संतोषप्रद पारिवारिक जीवन एवं अच्छी शादीशुदा जिंदगी का आनंद लेंगे। किसी भी चीज की अधिकता बुरी होती है। आपके मिजाज की रंगीनी आपको परेशानी डाल सकती है। लव पार्टनर अधिक मांगे कर सकता है। खूबसूरत लगने के लिए आप आज कुछ भी करेंगे। जीवन साथी के साथ घर का बजट बनाएं। आने वाले समय में खर्चे अधिक हो सकते हैं। आज आपके सारे काम मन मुताबिक पूरे होंगे। आप अपने बच्चों के साथ खुशी के पल बिताएंगे। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। इस राशि के जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन शुभ है। उन्हें किसी बड़ी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आ सकता है। आपको मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में दूसरे लोगों से संपर्क करना आपके लिए फायदेमंद होगा। सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आज
व्यक्तिगतता संबंध मधुर हो सकते हैं, शत्रु से राहत मिलेगी, पिछले कुछ समय से चला आ रहा झंझट खत्म होने की संभावना है। अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए सावधानी पूर्वक निर्णय लें। यदि आप लेखक अथवा पत्रकार हैं तब आज का दिन श्रेष्ठ व शुभ है। दफ्तर में नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। आज किसी कागजात पर हस्ताक्षर करने से बचें। मानसिक तनाव और परेशानी दूर करने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लेंगे। आर्थिक रूप से दिन शुभ है। आप आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी विकसित कर सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा और आप कठिन कार्यों को भी पूरा कर पाएंगे। प्रतिद्वंदी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और आपको अपने कार्य में प्रगति करने के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा और हर कोई परिवार में भविष्य में घटित होने वाला महत्वपूर्ण समारोह की योजना बनाने में शामिल होगा। आपकी सामाजिक स्थिति में वृद्धि होगी। यदि पैतृक संबंधी के संबंध में कोई समस्या चल रही है तो उसका भी सौहार्दपूर्वक हल आज आपके पक्ष में संभव है। आज आप अपना ज्यादा समय परिवार वालों के साथ बिताएंगे। आज आपके लिए कोई फैसला करना थोड़ा कठिन हो सकता है। आपका पैसा आते आते आज कहीं रुक सकता है। हालांकि आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। ऑफिस में आज आपके पास ज्यादा काम रहेगा। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आपकी लाइफ में कोई बेहतर बदलाव होगा। आपका कोई पुराना दोस्त आपसे मिलने घर आ सकता है। आज आप मित्रों के साथ प्रवास पर्यटन का आयोजन करेंगे। बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। नए लोगों से संपर्क बन सकते हैं। आपका कामकाज भी आज बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दिन काफी अच्छा हो सकता है। भाई बंधुओं के साथ संबंधों में निकटता आएगी। शारीरिक कष्ट आपको अस्वस्थ बना सकते हैं। आसपास के किसी व्यक्ति से अनबन हो सकती है। सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर अधिक चिंता मग्न ना रहें। आज आप में से कुछ के लिए इधर उधर की भागदौड़ रहेगी। देरी और बाधाएं भी कई बार चिंता का कारण बनेगी। धैर्य रखें क्योंकि समय इतना भी बुरा नहीं है जितना कि आपको इस समय दिख रहा है। आपको खुद को व्यवस्थित रखने की जरूरत है और साहस के साथ चीजों का आप सामना आज करेंगे। आज नए संपर्क स्थापित कर पाएंगे। दोस्त सहयोग करेंगे और आपका पारिवारिक जीवन उत्साहपूर्ण रहेगा। यात्रा व्यावसायिक और आर्थिक संदर्भ में फायदेमंद रहेगी। कुछ के जीवन में आज प्रेम का प्रवेश हो सकता है। जीवन साथी से आज कुछ तनातनी संभव है। आज आप जिस भी काम को करना चाहेंगे वो काम बड़े आराम से पूरा हो सकता है। आप किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में भी जा सकते हैं। किसी काम के लिए नई योजना बना सकते हैं। आपको अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए समाज के कार्यों में सहयोग देना चाहिए। आपको दूसरों के सामने अपनी बात खुल के रखनी चाहिए। इससे चीजें स्पष्ट रहेंगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। संतान की ओर से आपको सुख मिलेगा। आज आप कुछ अच्छी योजनाएं बनाएंगे जिनसे आने वाले दिनों में आपको फायदा होने के भी योग हैं। आज आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें। इसके साथ शक करने की अपनी आदत पर भी आज आपको कंट्रोल करना चाहिए। विवेकपूर्ण कार्य लाभ देंगे। धन लाभ के आसार बन रहे हैं। भावनात्मक होकर आज कोई भी फैसला ना करें। प्यार के मामले में परिजनों से आपको सहयोग मिलेगा। आप सभी मामले हल करने की आज कोशिश कर सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने जा सकते हैं। किसी समारोह में जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। ऑफिस में माहौल कुछ गंभीर हो सकता है। आपको अपने बॉस की बातों का ध्यान से सुनने के बाद ही कोई भी राय देनी है। आज आपको थोड़ा आलस्य भी महसूस हो सकता है। आपको अपना खान पान ठीक रखना चाहिए। कुछ मामलों में आप थोड़े भावुक हो सकते हैं। अपने माता पिता को कुछ उपहार दें। आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। आज दुष्ट व्यक्ति आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए किसी से वाद विवाद नहीं करें। कुछ मामलों में परिस्थितियां आपके अनुरूप नहीं हो पाएंगी। कोई बड़ा फैसला बिना सोचे समझे लेने से नुकसान होने की संभावना है। व्यवहार कुशलता से समस्या का समाधान संभव है। विवाहितों को जीवन साथी की ओर से अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। आपका भूमि विवाद हो सकता है, इसलिए आप इस विवाद से बचने की कोशिश करें। आपके लिए समय कठोर हो सकता है और आप कुछ काम पूरा करने में आज समर्थ हो सकते हैं। व्यवसायियों को कुछ श्रम संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ वित्तीय बाधाएं सामने आ सकती हैं और आपको अपने भृत गणों को खुश रखना होगा। ऐसा आपको आज कोशिश करनी है। कुछ भुगतानों को निपटाने में आज कठिनाई महसूस करेंगे। आपको अपने घर या कार्यालय की मरम्मत और रखरखाव पर खर्च करना पड़ सकता है। इसके कारण आप अपना बचत अथवा निवेश नहीं कर पाएंगे। किसी भी तरह के तर्क वितर्क से दूर रहें, शांत और केंद्रित रहें। मित्र और शुभचिंतक अपना सहयोग देंगे। दोस्तों आज आपका शुभ अंक है 2। शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। उपाय: शिव जी, भैरव और हनुमान जी की पूजा, प्रणाम करना या दर्शन करने से पारिवारिक जीवन अच्छा चलेगा। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें अपने सुझाव अवश्य दीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, राधे राधे।